पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी 2019 में होने वाले चुनावों को लेकर अपने विपक्षी बीजेपी पर वार करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं, जिसके चलते बीजेपी से अलग हो चुके बाबूलाल मरांडी अब लोकसभा और विधानसभा चुनावों को देखते हुए बीजेपी पार्टी के अंदरूनी राज खोलने में लगे हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बीजेपी लोगों को भड़काती है। अब ये कह रहे हैं कि चार साल करते हैं ये लोग डबल, इससे बढ़िया झूठ क्या हो सकता है। तो झूठ को भी आप बार बार दोहराते रहो तो आपने लग लेता है। बीजेपी वही पैदा करते हैं, तो बीजेपी यही काम करते हैं। वहीं बाबूलाल मरांडी की कही बातों को नकारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि कई बार मुख्यमंत्री भाषाओं के जरिए बढ़ती जनसंख्या वाली बात कह चुके हैं। जनसंख्या बढ़ने के कारण सारा व्यवस्था चौपट, छोटी छोटी बात है भैया। पार्टी में रहते हुए कोई नेता पार्टी के अंदरूनी कवायदों को बाहर नहीं करता, लेकिन जब जब पार्टी से बाहर करने के कई सवालों तक मुंह बंद रखने के बाद बीजेपी के बड़े ओहदे पर रहे बाबूलाल मरांडी पार्टी के अंदर देश के दो बड़े सांप्रदायों के बीच मतभेद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर ध्यान रखने की जरूरत है। दुमका से वीरेंद्र कुमार झा, पंजाब केसरी टीवी।